आपको पता है कि राहुल जी का ये रूट है, राहुल जी आके यहीं दर्शन करेंगे, इसी मंदिर में जाएंगे, तो एक दिन पहले आपने जानबूझ के ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाटक कर दिया। रोकने वाली बीजेपी और उसकी तानाशाही सरकार, उनके लोग हैं, ये धक्कियानूसी सरकारें हैं जो रोक रही हैं। जिसकी ईडी, जिसकी ईवीएम और जिसकी सीबीआई, वो 400 के 1000 के पार भी ला सकता है। अजीत पवार से ज़्यादा लुटेरा कोई नहीं है, उसे ही सीएम और डिप्टी सीएम बना दिया। अब तो ये मान लीजिए कि मोदी जी जिसे भ्रष्टाचारी कहें, समझ लो उसकी कुर्सी देने की तैयारी, उसे मंत्री बनाने की बारी है। मोदी जी के मुंह से निकला भ्रष्टाचारी किसी को वरदान बन सकता है। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। चाहे हमले करो हजार, लेकिन रुकेगी नहीं न्याय यात्रा की रफ्तार। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हर कांग्रेसी कह रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी पे हमला किया गया है, इनका ये कहना है कि न्याय यात्रा रोकने की कोशिश करी जा रही है। इसी चीज़ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संदीप मिश्रा जी। सर, क्या कहेंगे, ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं कि न्याय यात्रा की रफ्तार रुकेगी नहीं, किसने हमला कर दिया है? देखिए, जो कुछ कांग्रेस पार्टी का जो न्याय यात्रा चल रही है, राहुल जी के मार्गदर्शन में जो न्याय का एक कारवां चल रहा है, जुलूस चल रहा है और भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की जो बात चल रही है, उस बात पर जब यात्रा असम पहुंची तो कुछ गुंडों, लफंगों तत्वों ने, जिनके हाथ में डंडे और बीजेपी के झंडे थे, उन्होंने राहुल जी के खिलाफ अपशब्द कहे, गंदे नारे लगाए। तो आप लोगों ने खुद देखा था कि उनके हाथ में बीजेपी के झंडे थे? जो आप जैसे मीडिया के लोग हमें बता रहे हैं, साथी बता रहे हैं, और जो मीडिया पर रिपोर्ट आ रही है वो तो यही कहती हैं। जिस तरह के उन्होंने नारे लगाए और घेरने की कोशिश की यात्रा को, जैसे ही राहुल गांधी ने दरवाज़ा खोला बस का और वो नीचे उतरे, वैसे ही वो जैसे शेर को देख के कोई गीदड़ों का दल भाग जाता है झुंड, वैसे ही वो भाग खड़े हुए और उन्होंने पीठ के पीछे से वार करने की कोशिश की, पत्थर फेंके। आज आपने देखा कि राहुल जी पूजा करने जा रहे थे और उन्हें देवालय में भी नहीं घुसने दिया गया। अब मंदिर भी गिरवी हो गए हैं, मंदिर पे भी ताले लगा दिए गए हैं, मंदिर में भी वही लोग जाएंगे जिन्हें मोदी कारण बताया था ना, कि कारण ये था कि उधर कुछ कार्यक्रम होने वाला था तभी उनको नहीं जाने दिया गया। तो कार्यक्रम थोड़ी देर बाद हो जाता, राहुल जी को कौन सा 24 घंटे वहाँ बैठना था? आधे घंटे के दर्शन करके बाद आप कह देते कि 15 मिनट का आप दर्शन करके आप जा सकते हैं, 15 मिनट का समय है, आप कार्यक्रम करते रहते, देवता के दर्शन करने को कहाँ मनाइए। कार्यक्रम कोई देवता की मूर्ति पर नहीं हुआ करते, प्रांगण में हुआ करते हैं, ये आप भी जानती हैं। तो देवता की मूर्ति और देवता के तस्वीर के, देवता के स्वरूप के दर्शन करने को नहीं रोका जा सकता प्रांगण में आकर। लेकिन अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें कोई और कैसे जा सकता है? जाना तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन जा रहा है, मंदिर में जा रहे हैं, देवता के दर्शन करने जा रहे हैं, आपके कार्यक्रम को रोकने थोड़ी ना जा रहे हैं। आपको पता है कि राहुल जी का ये रूट है, राहुल जी आके यहीं दर्शन करेंगे, इसी मंदिर में जाएंगे, तो एक दिन पहले आपने जानबूझ के ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाटक कर दिया। देवता के दर्शन से किसी भक्त को दूर कर दिया, भगवान की आराधना से किसी प्रेमी को रोक दिया और राहुल जी को अपने राम से, अपने शंकर से रोक दिया, ये अनर्थ है। ऐसा रोकने वाला कौन है? रोकने वाली बीजेपी और उसकी तानाशाही सरकार, उनके लोग हैं, ये धक्कियानूसी सरकारें हैं जो रोक रही हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे मंदिर तो कभी अकबर ने भी, मुगलों ने भी नहीं रोके थे किसी को। अकबर तो स्वयं नंगे पैर जाके सोने का छत्र देवी माँ को चढ़ा के आए थे। अंग्रेजों ने भी कभी मंदिर के कपाट नहीं बंद किए, लेकिन मोदी सरकार में तो ये भी दिन देखने को आ गए हैं कि अब मंदिर के कपाट भी मोदी की मर्जी से ही खुलेंगे, कि वो किसे दर्शन करने देंगे या किसे नहीं देने करने देंगे। ये घमंड की पराकाष्ठा है, ये जब कहते हैं ना दिया बुझने वाला तो बहुत जोर से जलने लगता है, ये वही वक्त है। ये अभिमान की एक झलक है, तानाशाही की एक झलक है, और अभिमान और तानाशाही कहाँ कर रहे हैं। राम मंदिर बनवा दिया है, उसका उद्घाटन हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है, हर जगह दिए जल रहे हैं, झंडे दिख रहे होंगे आपको हर जगह। तानाशाही मुझे वहाँ दिखती है जब 750 किसान अपनी बिल वापसी के लिए प्राण दे देते हैं और बिल वापस नहीं होता। तानाशाही मुझे तब दिखती है जब मणिपुर की ज़मीन पर बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है। तानाशाही मुझे जंतर मंतर पर देखा जाता है जब महिला पहलवान सोना लाने वाली, ओलंपिक का मेडल लाने वाली न्याय की बात करती हैं और उनके सीने पर बूट रख दिया जाता है। तानाशाही मुझे तब दिखती है जब बीजेपी का एमएलए नाबालिग से बलात्कार करता है। तानाशाही मुझे तब दिखती है जब किसानों के ऊपर थार चला दी जाती है और उन मंत्री आज भी बरकरार हैं। इतनी तानाशाही के बाद भी बीजेपी बिल्कुल दावे के साथ कह रही है कि हम 400 पार लेके आएंगे। जाहिर तौर पर जिसकी ईडी, जिसकी ईवीएम और जिसकी सीबीआई, वो 400 के 1000 के पार भी ला सकता है। 1000 सीट बना लो तो सीबी, ईबीआई, ईवीएम और ईडी तो स्वतंत्र होती है ना। कहाँ स्वतंत्र है, बता दो। हेमंत बिश्व शर्मा के घर गई क्या कभी?
गई क्या अजीत पवार के घर, गई क्या इन लुटेरों के घर जिनके लिए बुकलेट लेके घूमते थे कि हेमंत बिश्व शर्मा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है, अजीत पवार से ज़्यादा लुटेरा कोई नहीं है, उसे ही सीएम और डिप्टी सीएम बना दिया। अब तो ये मान लीजिए कि मोदी जी जिसे भ्रष्टाचारी कहें, समझ लो उसकी कुर्सी देने की तैयारी, उसे मुख्यमंत्री बनाने की बारी है। मोदी जी के मुँह से निकला भ्रष्टाचारी किसी को वरदान बन सकता है, वो सीएम या डिप्टी सीएम बन सकता है, ऐसी स्थिति आ गई है। आप लोगों को प्राण प्रतिष्ठा से क्या तकलीफ है? किसी को कोई तकलीफ नहीं, लगातार सब कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सब उस पर आवाज उठा रहे हैं। तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो चारों शंकराचार्य को है, उन्होंने बताया है कि सनातन धर्म के अनुरूप ये नहीं हो रहा है, विधि विधान के अनुरूप नहीं हो रहा, सही तिथि सही मास सही वक्त पर नहीं हो रहा है, और दिव्यांग मंदिर में राम को लाने की बात हो रही है, चारों शंकराचार्य कह रहे हैं। बात भी जनता तो खुश दिख रही है ना, जनता तो अंग्रेजों के राज में भी खुश थी, मुगलों के राज में भी खुश थी, जनता का परेशान होती, परेशान तो वो होता है जिसके रगों में लहू होता है, जिसके रगों में न्याय होता है, जो न्याय के लिए लड़ना चाहता है। भगत सिंह ही क्यों, उस दौर में भगत सिंह ही क्या जवान हुए थे क्या? जवान तो लाखों लोग हुए होंगे, लेकिन भगत सिंह ने ही आज़ादी को अपनी दुल्हन बना के फांसी के फंदे को क्यों चूम लिया? और भी तो लोग थे, क्या झांसी की रानी के लहू में ही उबाल था क्या? बहुत ऐसी ललनाएँ रही होंगी। जनता तो जनता है, जनता तो पैदा ही पीछे चलने की हुई है, जनता की बात तो मत कीजिए। मोदी के साथ है ना जनता, आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, आपको कहाँ से लग रहा कि मैं तकलीफ चक्कर खा के मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं मोदी के खिलाफ नहीं, मैं न्यायपीड़िता की बात कर रहा हूँ, और जो भी देश के साथ अन्याय करेगा, जो भी सनातन के साथ अन्याय करेगा, जो भी देश के धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, शंकराचार्य जी ने बताया है कि वो अधर्मी है और ऐसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए, वो किसी भी पद पर अधर्मी है, जो धर्म के विरोध में होगा वो अधर्मी है। शंकराचार्य जी ने कह ही दिया कि धर्म के अनुसार नहीं हो रहा, दिव्यांग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, विधि विधान से नहीं हो रही है, पूजा करने आए हैं पत्नी के साथ नहीं आए हैं, अकेले पूजा कर रहे हैं, जबकि राम जी ने सेतुबंध रामेश्वरम की भी पूजा की थी, तो सीता जी को रावण उनके बगल में बिठाया था, तो ये क्या उस समय से भी ज़्यादा दुर्लभ हो गया? आनंदीबेन यहीं रहती थी, आज़ादी आबादी नारियों को लग रहा था कि मोदी जी आनंद यशोदाबेन का हाथ पकड़ के, माफ़ कीजिएगा, यशोदाबेन उनकी पत्नी, उनका हाथ पकड़ कराएंगे और नारियों को सम्मान देंगे कि वो नारी की इज्जत करते हैं, आज नारी को सम्मान मिलेगा, लेकिन राम दरबार में रह के भी आज नारी को सम्मान नहीं मिला, ये दुखद है, अपने आप में चिंताजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि अधर्मी बताया जा रहा है उनको, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ उद्घाटन करा जा रहा है, ये चीज़ बताई जा रही है कि ये सही समय नहीं है उद्घाटन करने का, लेकिन फिर भी राम मंदिर का उद्घाटन दिखता है आपको, तमाम सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा तमाम चीज़ें, जो वीडियो वायरल हो रही है किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है, जगह जगह झंडे लगे हुए हैं इसी चीज़ पे। उसी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है वो इसका विरोध करते हुए नज़र आ रही है कि जिस तरीके से न्याय यात्रा पर हमला करा गया और उसके बाद राहुल गांधी को जो असम में एक मंदिर तक में नहीं जाने दिया गया, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि शायद ये राजनीति कर रही है, भाजपा द्वारा राजनीति करी जा रही है। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नूरजहां, जनेतावाद।